EMGU-CV या MGU-CV का एक बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे आज। ये MGU-CV है क्या, पहले ये जान लेते हैं। MGU-CV है एक क्रॉस प्लेटफॉर्म .NET रैपर। ओपन सीवी जो लोग यूज करते हैं, अगर वो विजुअल सी प्लस प्लस की जगह विजुअल सी शार्प में सी हैश में प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ओपन सीवी सी प्लस प्लस में है बेसिकली। तो अगर आपको सी हैश में करना है तो कोई ना कोई आपको रैपर चाहिए होगा, इंटरफेस चाहिए होगा। डायरेक्टली जो .NET लैंग्वेजेस हैं जैसे सी शार्प है, वो इनको कॉल नहीं कर सकती सी प्लस प्लस को। क्यों? क्योंकि वो .NET लैंग्वेजेस इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, वो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस नहीं, इंटरप्रेटेड है। तो इसीलिए इसके बीच में एक रैपर क्लास है जिसे हम MGU-CV कहते हैं। तो MGU-CV का उपयोग करते हुए अल्टीमेटली आप यूज ओपन सीवी ही कर रहे हैं, यानी कि आप करने ओपन सीवी, यानी आप कंप्यूटर विजन रियल टाइम कंप्यूटर विजन इमेज प्रोसेसिंग ही करने जा रहे हैं, बट आप अपना प्रोग्राम सी प्लस सी हैश वीबी वीसी प्लस प्लस आयरन पाइथन जो भी .NET की कंपैटिबल लैंग्वेजेस है उनमें बना सकते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे MGU-CV क्या है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये एक पेज है, देखिए मैंने आपको यहां डॉक्यूमेंटेशन में भी दिया हुआ है, ये वाला पेज है MGU-CV विकी में इंडेक्स PHP में सेटिंग अप MGU-C#। अगर किसी भी जगह में आपको जो मैं बता रहा हूं उसमें आपको तकलीफ हो, उसको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप बस इस डॉक्यूमेंट में जाइए, क्योंकि मैंने भी इसी को फॉलो किया। डॉक्यूमेंट बहुत बढ़िया है और सब कुछ स्टेप बाय स्टेप विद फिगर यहां पर बताया गया है, विद फिगर यहां पर हर चीज एक्सप्लेन है। तो ये आप ले लेंगे, पहला इसको जरूर खोल लेंगे जब ये आप सुन रहे होंगे। दूसरा आप MGU-CV जान गए। तीसरा आपको क्या करना है कि अब MGU-CV को डाउनलोड करना है। तो आप लिखेंगे डाउनलोड MGU-CV। कई लोग इसको EMGU-CV बोलते हैं, कई लोग इसको MGU-CV बोलते हैं, आपकी मर्जी, आप जो बोलना चाहें। यहां पर MGU-CV डाउनलोड पे आप सोर्स फोर्ज पे जाइए। आपको ओपन सीवी भी याद होगा, हमने ओपन सीवी से को भी हाथ सोर्स फोर्ज से लिया था, इसको भी हम सोर्स फोर्ज से ले रहे हैं। यहां पर MGU-CV जो भी लेटेस्ट वर्जन है इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। पहले डाउनलोड करना पड़ेगा और उसी को हम इंस्टॉल करेंगे। तो डाउनलोड करेंगे, यहां पर बस क्लिक कर दीजिए, अपने आप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। चूंकि मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट वहां ले चलता हूं जहां पर ये डाउनलोड हुआ है। ये आपके नॉर्मली सी डाउनलोड में होता है और मैंने इसको एक जगह पर रखा हुआ है, वहां से हम इसका डाउनलोड के बाद 38.4 है, छोटा सा है, इसका इंस्टॉलेशन शुरू कर सकते हैं। तो यहां पर आप आइए, और मैंने कहां रखा है, इस जगह पे, यहां पर ये इस तरीके से बन के आ जाएगा, और डबल क्लिक करिए, यस, नेक्स्ट, आई एग्री। ये आपका पाथ पूछ रहा है सी MGU, ये वाला ये आपको लेना है। नेक्स्ट नेक्स्ट, यहां पर आपका 64 बाइनरी अपने आप आ गया, क्योंकि ये मेरी जो मशीन है 64 बिट मशीन है। अगर आपको MGU-CV 32 बिट के लिए देखना है तो आपको वो सर्च करना पड़ेगा, ये मैंने 64 बिट के लिए किया हुआ है। इंस्टॉल करेंगे उसके बाद, यहां पर ये करेगा। अब देखिएगा इसमें एक एक करके ही हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आपको पाथ सेट करना पड़ेगा, फिर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें रेफरेंस और एग्जिस्टिंग आइटम ऐड करेंगे, उसमें कंट्रोल ऐड करेंगे, और उसके बाद ये छोटा सा एक प्रोग्राम लिखेंगे जिससे हम एक इमेज को ओपन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देखिएगा यहां पर आपको जाना पड़ेगा, ये बोलेगा इंस्टॉल डिबगर विजुअलाइजर फॉर विजुअल स्टूडियो 2012, आप कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, फिनिश कर दीजिए इसको। अब आपका MGU-CV जो है वो इंस्टॉल हो गया है। तो आप यहां पर आइए सी में आइए, यहां पर देखिए सी में ये MGU-CV आया था, तो ये MGU-CV आ गया, विंडोज या विंड डेस्कटॉप करके लिख के आ गया 3102282। इसके अंदर जाइए, इसके अंदर जाने के बाद आपको यहां पर बहुत सारी चीजें दिखेंगी, ये सारी इसके एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल कैसा कि यहां पर सॉल्यूशन में जब जाएंगे आप, तो यहां पर डायरेक्ट 2013 से लेकर 2015 तक आप कोई भी आपके पास विजुअल स्टूडियो या विजुअल का वर्जन हो 2013 से 2015, डायरेक्ट आप ये सॉल्यूशन इसके चला सकते हैं, ये SLN फाइल है। क्योंकि हमारा 2012 है, हम 2012 में इसको कर रहे हैं, इसलिए हम ये सारे एग्जाम्पल्स इसमें नहीं जाएंगे, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको अपने कॉन्फ़िगर करेंगे 2012 में। तो यहां बिन आएगा, इसको कॉपी कर लीजिए, देखिए ये बिन आ गया,
इसको कॉपी करेंगे और ये जो सेट पाथ मैंने बताया आपको इस जगह ये वाला करेंगे आप, होपफुली आपके भी सिस्टम में ऐसे कुछ होगा। ये पाथ ध्यान से देख लीजिए और हम जाएंगे अपने माय कंप्यूटर पे, कहीं से भी माय कंप्यूटर ढूंढिए, एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाइए, यहां पर एनवायरमेंटल वेरिएबल जाइए और पाथ ढूंढिए और एडिट करिए। यहां पर देखिएगा आपको सी एएमयू एएमजीयू एएमजीयू सीवी जो भी डेस्कटॉप जो भी नाम था वो यहां पर देना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है फिर भी मैं आपको बता देता हूं, इसको डिलीट कर देता हूं, न्यू करके मैं दोबारा ऐड करूंगा इसको। देखिए मैंने ऐड कर दिया है, यहां पर ओके हो गया। ओके तो अब ये मेरे पाथ पे सेट हो गया, ये वाला काम हो गया। चलिए पहला काम हमारा हो चुका। अब उसके बाद हम आते हैं यहां पर अपने एक्चुअल प्रोग्राम बनाने में, क्योंकि प्रोग्राम बनाने के बाद ही हम सारी चीजें इसमें डालने वाले हैं। तो उसके लिए आप ओपन करिए अपना विजुअल, कोई भी वर्जन हो आपका विजुअल, क्योंकि देखिए इसमें 10 ये जो बिन का फोल्डर है इसमें 10 12 13 15 यानी कि आपका यहां 10 से लेकर 15 तक सारे के सारे वर्जन दिए हुए हैं चलेंगे। तो कोई भी आप मेरे ख्याल से 10 से ऊपर ही सब यूज कर रहे होंगे तो ये आपका आराम से चल जाएगा। यहां पर आया आप, यहां पर नया प्रोजेक्ट बनाइए, यहां पर विजुअल सी शार्प सिलेक्ट हो, ध्यान दीजिएगा यहां पर विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन, यहां पर आपने देख लीजिए एमगो सीवी प्रोग्राम कर दीजिए इसको और उसके बाद ओके कर लीजिए। अब ये बन के आ जाएगा आपको, क्योंकि विंडोज बेसिक फॉर्म एप्लीकेशन बनाया हमने, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इसको। अच्छा अब हम इसमें क्या करेंगे कि यहां पर इस प्रोग्राम में राइट क्लिक करके हम अपना एड रेफरेंस, ध्यान दीजिएगा पहली लाइन क्या थी यहां पर एड रेफरेंस, तो हम एड रेफरेंस पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और एड रेफरेंस पे जाएंगे और क्या रेफरेंस करने वाले हैं। देखिए ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है एमगू सीवी यूआई जीएल। अच्छा इसको कैसे बताऊंगा आपको, वहां पर हम जाते हैं जहां पर ये है, आपको क्योंकि मैं 2012 में कर रहा हूं इसलिए मैं 2012 सिलेक्ट करूंगा, जो 2010 में कर रहा होगा वो 2010 को सिलेक्ट करेगा, मतलब इन चारों में से आपको एक ही सिलेक्ट करना है। तो मैं 2012 कर रहा हूं और केवल एमगू सीवी के नाम से जितनी भी फाइल है वही लेनी है, देखिए और बाकी कोई भी नहीं है। अगर आप किसी और कोई और वर्जन अगर यूज करेंगे एमगू सीवी का तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, इन चारों में से या इन पांचों में से जो भी आपके सामने हो इनमें से आपके वर्जन के हिसाब से एक सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहां पर सारे सिलेक्ट कर लेना है, एमगू सीवी के नाम से जितने भी सारे सिलेक्ट करने हैं, ध्यान दीजिएगा एमगू सीवी के नाम से जितने भी है वो सारे सिलेक्ट करना है, एमजीयू से सिलेक्ट हो रहे हो डीएल से एंड हो रहे हो उनको सबको सिलेक्ट करना है। तो यहां पर केवल तीन है, तीन सिलेक्ट कर रहे हैं, आपके सिस्टम में ज्यादा हो तो ज्यादा कर लीजिएगा। 2012 में सिलेक्ट करना है क्योंकि मेरा 2012 हमारा वर्जन है, एड कर लेंगे और ओके कर देंगे इसको। तो ये पहला काम हो गया हमारा एड रेफरेंस का भी। अब एड एग्जिस्टिंग आइटम, एड एग्जिस्टिंग आइटम में क्या करेंगे, यहां पर एड एग्जिस्टिंग आइटम। अब एग्जिस्टिंग आइटम इस पर्टिकुलर जगह पे ये खुला है ना। अब देखिएगा कि जब मैं इस जगह पे आया तो एड एग्जिस्टिंग आइटम वो एग्जिस्ट करना चाहिए ना, और वो इसी जगह पे एग्जिस्ट करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा प्रोग्राम के लिए। तो हम क्या करेंगे, आपके बिन में जाएंगे, यहां पर आप ये देखिएगा कि आप यहां पर x64, क्योंकि मैं सर मेरा 64 बिट मशीन है तो ओपन सीवी, अभी हमने एमगो सीवी तो कर लिया, ओपन सीवी असली, तो असली चीज तो ओपन सीवी है और क्योंकि मैं ये वाला वर्जन यूज कर रहा हूं इसलिए मुझे केवल ये मिलेगा। तो मैं इसको कंट्रोल सी करूंगा और यहां पर आके पेस्ट कर दूंगा, लेकिन मुझे दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि मैं यहां पर नहीं आया। देखिए डीएलएल आ गया ना डीएलएल, अब इसको सिलेक्ट करके ऐड कर दीजिए बस। और श्योर होना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज कीजिए और यहां पर डू नॉट कॉपी की जगह ऑलवेज कॉपी कर दीजिए, कॉपी ऑलवेज, ये काम भी हो गया। अब इसके बाद हम टूल बॉक्स पे आते हैं। इस टूल बॉक्स में आप ये देखिएगा कि कुछ चीजें हैं जो इसमें यहां तक, इस जगह तक, यहां से यहां तक तो आपको ऑलरेडी मिलेगा जब आपने जैसे अपने प्रोग्राम ऑन किया था। ये जो आपको मिल रहा है ना पॉइंटर हिस्टोग्राम इमेज मैट्रिक बॉक्स पैन एंड जूम पिक्चर बॉक्स, ये कहां से मिला, ये हम लेके आए हैं अपने एमगू सीवी से। तो उसको करने का तरीका ये होता है, राइट क्लिक करिए, यहां पर आप चूज आइटम करिएगा, ये आपको नहीं मिलेगा स्टार्टिंग में, ये मैं करने का तरीका बता रहा हूं, मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है
अपलोड किया हुआ है या फिर यहां से .NET फ्रेमवर्क कंपोनेंट्स ऑलरेडी लिए हुए हैं इसलिए आपको दिख रहा है। आपको करना क्या है, यहां पर ब्राउज करिए और उसके बाद सीधा उसी जगह पे जाइए, इस जगह पे बिन में, यहां पर बिन में जाइए और बिन में जाने के बाद आप ये चूज करेंगे mgo.cv.ui.dll। अब इसके अलावा आप जितना भी यूज करना चाहेंगे, क्योंकि ये तो बेसिक प्रोग्राम है, इसके अलावा भी आपको ये सारे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए क्योंकि इमेज का छोटा सा प्रोग्राम है इसलिए मैं यही सिलेक्ट कर रहा हूं। और आप मजे की बात देखेंगे कि हम ये कंट्रोल यूज भी नहीं करेंगे, केवल आपको ये बता रहा हूं कि कंट्रोल आपको लेने पड़ेंगे, उसके बगैर आपके प्रोग्राम नहीं बनेंगे। ये तो बहुत बेसिक प्रोग्राम इसलिए बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ऑल विंडोज फॉर्म में एक तो अपना इमेज बॉक्स ले लेते हैं, एच आई, यहां पर एक पिक्चर बॉक्स ले लेते हैं, जो इसमें इमेज बॉक्स आपका इसके अंदर आ रहा है, यहां पर पिक्चर बॉक्स ले लेते हैं, पी से आएगा, और उसके अलावा एक बटन ले लेंगे। तो ये पिक्चर बॉक्स ले लेते हैं और एक बटन ले लेंगे, पिक्चर बॉक्स को बड़ा अच्छा खासा कर दीजिए और यहां पर टूल बॉक्स में जाके एक बटन भी ले लीजिए, बी से आएगा ये, तो बटन थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाइए, बटन का नाम चेंज कर दीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट हो गया। अब यहां तो इमेज आएगी, तो ये सिलेक्ट, ये जो सिलेक्ट है इसको डबल क्लिक करिएगा। अब इसी में आपको कंटेंट लिखना है, इसी में आपको कंटेंट लिखना है। तो फिर हम वापस जाते हैं, देखिए हमने एड रेफरेंस कर दिया, एक्सिस्टिंग आइटम डाल दिया, एक ही फाइल थी हमारी, इसके लिए कंट्रोल्स डालेंगे। अब कंट्रोल्स भी डाल दिया हमने, जो हमने यहां पर कंट्रोल दिया उसको यूज नहीं किया है, या ध्यान रखिएगा, इमेज बॉक्स या हिस्टोग्राम वगैरह यूज नहीं किया है, लेकिन हम इसमें डाल दिया। अब यहां पर हम इसको डबल क्लिक करेंगे सिलेक्ट में, और अब इसके अंदर आके हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको कुछ इंक्लूड करने पड़ेंगे, क्योंकि हम एमगोसी भी लिख रहे हैं, तो आप ये चार फाइलें इंक्लूड करेंगे, कौन कौन सी, एमगोसीवी, एमगो.सीवी, एमगो.सीवी.यूआई, एमगो.यूटिल, एमगो.सीयू.स्ट्रक्चर, चार ये करेंगे। और जो बटन क्लिक है उस पर क्या लिखेंगे आप देखिएगा, सबसे पहले हमारा आएगा ओपन फाइल डायलॉग, हम फाइल डायलॉग को ओपन कर रहे हैं, क्योंकि सिलेक्ट फाइल पे मैंने ओपन फाइल डायलॉग का ही एग्जांपल दिया हुआ है। तो सबसे पहले ओपन फाइल डायलॉग, ये लाइन में बता देता हूं आपको, कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, ये आपको मैं दूंगा। तो ओपन फाइल डायलॉग, ओपन फाइल इज इक्वल न्यू ओपन फाइल डायलॉग, तो ओपन फाइल डायलॉग का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया ओपन फाइल करके। और उसके बाद हम आएंगे यहां पर इफ, अगर ओपन फाइल डायलॉग शो, ओपन फाइल अगर ठीक से ओपन हो गई और यूजर ने ओके कर दिया, उसमें इमेज को सिलेक्ट करके ओके कर दिया, तो क्या होना चाहिए, तो ये इफ यहां पर आ जाएगा, यूजर इस फाइल के हिसाब से, मतलब ओपन फाइल डायलॉग्स में फाइल सिलेक्ट करेगा और ओके करेगा, तो उसके बाद क्या होना चाहिए आप देखिएगा, यहां पर हम एक इमेज बना रहे हैं, एक इमेज बना रहे हैं, इमेज माई इमेज, माई इमेज आप अपना हिसाब से नाम दे सकते हैं कोई भी, इमेज डॉट फ्रॉम फाइल, किस फॉर्म, किस फाइल से, जहां से ये शो डायलॉग में जो भी नाम आ जाएगा, मतलब जिस डायलॉग से ये नाम खींच लेगा और ये नाम आ जाएगा, और इसी का एक इमेज वर्जन यहां पर दे देगा, उसी का इमेज यहां पर हैंडल यहां पर वापस मिल जाएगा। और उसके बाद आपका पिक्चर बॉक्स में हम इस इमेज को दिखा देंगे। तो ये हो गया आपका पूरा कोड। तो ये छोटा सा कोड था, मैं थोड़ा सा और दिखा दूं आपको, थोड़ा पॉज करके अगर लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम अब बन चुका है, अब हम इसको रन करने के लिए तैयार है। तो चलिए रन कराते हैं इस प्रोग्राम को, स्टार्ट, यहां पर आपको इमेज फाइल सिलेक्ट करनी पड़ेगी, हम कोई भी फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहां पर देखिए आपकी ये फाइल आ गई। तो ये बेसिक प्रोग्राम था आपके एमगोसीवी का, इसमें मैंने आपको सेटिंग बताई और एमगोसीवी क्या होता है ये बताया। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।